Hello student, today we will start chapter 6, Go Green, okay? Scene 1, ये देखिए, पहला scene क्या है इस chapter का? A vacant plot in a neighborhood, with some bushes and trees, few children's caring garden tools are grouped around Vikas. एक पड़ोस में एक plot खाली है, तो वहाँ पे कुछ झाड़ियाँ और कुछ पेड़ हैं और कुछ बच्चे गार्डन टूल को लेकर जो विकास का ग्रुप है वहाँ पे वो लोग खड़े हैं। तो देखिए फिर क्या बातें हैं उनके बीच में। अतुल कह रहा है, व्हाट यू वांट अस टू क्लीन अप दिस जंगल एंड ग्रो फ्लावर्स? नो थैंक यू, आई एम नॉट अ गार्डनर। अतुल कह रहा है कि तुमने हाँ तुम्हें क्यों चाहते हो कि ये जंगल है और उसमें हम हरे भरे फ्लावर उसमें हम फ्लावर्स उगाए। तो उसने बोला कि मैं कोई गार्डनर नहीं हूँ जो कि मैं ऐसा करूँगा। तो जय बोल रहा नाइदर एम आई, उसने बोला मैं भी कोई गार्डनर नहीं हूँ। फिर अमन कह रहा है, आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। देन विकास कह रहा है, बट आई एम काउंटिंग ऑन ऑल ऑफ यू, थिंक अबाउट इट केयरफुली। उसने बोला कि मैंने तो तुम सबको गिनती काउंट किया है और ध्यान से समझो। डू यू वॉन्ट टू हैव अ फैक्ट्री हेयर, नॉइस पॉल्यूशन, ट्रैफिक एंड वेयर विल वी प्ले क्रिकेट? उसने बोला कि तुम क्या चाहते हैं, फैक्ट्री हो यहाँ पे, नॉइस पॉल्यूशन हो, ट्रैफिक हो, फिर हम यहाँ पे क्रिकेट कहाँ खेलेंगे? जय बोलता है, ऑल राइट, We got your point. So where should we start to clean up this place properly? We need a power spade and. उसने कहा कि ठीक है मोहम्मद, आप हमारी बात समझ आ गई, अब बताओ कहाँ से शुरू करें, क्या क्या मतलब क्या क्लीन करें और क्या क्या सफाई करें, वो सब बताओ। उसने बोला मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई। Then because पावर स्प्रेड, लुक वी हैव एनफ पावर है। उन्होंने बोला कि हमारे पास बहुत पावर है। ही पॉइंट्स एट दिस आर्म, उसने अपने आर्म्स की तरफ इशारा करके कहा, बाजुओं की तरफ, हमारे पास बहुत ताकत है। कम ऑन फ्रेंड्स, टेक योर गार्डन टूल्स एंड शो मी व्हाट यू आर मेड ऑफ। उन्होंने बोला कि आओ फ्रेंड, शो दिखा दो कि किस चीज के बने। The children exchange glances, Atul and Aman shake their heads. Atul, this place is pretty large, we need more people. Atul ने बोला कि ये प्लेस तो बहुत बड़ी है, हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। प्रिया, we tried Vikas, we tried hard. उसने बोला कि विकास हम बहुत मेहनत करेंगे। You were with us when we marched through every lane of our neighborhood shouting green. टाउन क्लीन टाउन। उसने बोला कि हम मार्च निकालेंगे, तो यहाँ से एक मार्च पास निकालेंगे, यात्रा निकालेंगे और पड़ोसियों को चिल्ला चिल्ला के कहेंगे ग्रीन टाउन क्लीन टाउन, ये नारा लगाएंगे। जय एंड शाउटेड गो ग्रीन। अतुल, सो व्हाट्स रॉन्ग विथ है दैट, इसमें गलत क्या है? विकास, दैट्स ऑल राइट, इज सब सही है, वी आर नॉट गिविंग अप सो इजिली आर वी। अमन कह रहा है, वी हैव नॉट इवन स्टार्टेड, आई एम श्योर वी कैन डू बेटर, बोला कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। अबव द बूज ऑफ कन्वर्सेशन फ्रॉम अ डिस्टेंस द शाउटिंग ऑफ स्लोगन्स कैन बी हर्ड स्लोली कमिंग क्लोज। ये कन्वर्सेशन होने के बाद फिर धीरे धीरे स्लोगन्स की आवाज आने लगी, खूब तेज से चिल्लाने की, और सब पास पास में आ गए। विकास, क्वाइट एवरी वन, लिसन, दे आर कमिंग हियर। उसने चुप हो जाए, देखो कोई आ रहा है। नमन, देयर कम्स प्रतीक, ऑन टॉप ऑफ हिज वॉइस, प्रतीक ओवर हियर, चिल्ड्रन ऑन द स्टेज स्टार्ट टू जम्प एंड शाउट, दे जॉइन इन द स्लोगन एज दे वॉच द प्रोटेस्टर्स मार्च ऑन स्टेज लेड बाय बॉय विद अ ड्रम। वो और बच्चे भी उनको ज्वाइन करने लगे थे और फिर वहाँ पे ड्रम वगैरह लेके आके
ड्रम से बजा ड्रम बजा बजा के स्लोगन चिल्ला रहे थे जोर जोर से। सारे बच्चों ने भी उनको ज्वाइन किया। सम चिल्ड्रंस कैरी बैनर्स, कुछ ने बैनर्स पकड़े। ऑल आर शॉर्टेड स्लोगन सच एज ग्रीनर टाउन क्लीनर टाउन गो ग्रीन, और कुछ चिल्ला रहे थे ग्रीनर टाउन क्लीनर टाउन गो ग्रीन। दे स्टार्टेड टू सिंग अ सॉन्ग, ये गाना गाने लगे। द चिल्ड्रन ऑन स्टेज जॉइन देम, दे टेक टू लास्ट राउंड ऑफ स्टेज देन फॉल सिट लाई डाउन एग्जॉस्ट ऑन द स्टेज। कोई स्टेज पे खड़ा हुआ बैठा हुआ लेटा हुआ मतलब सब ऐसे रहने लगे। विकास वॉक्स ओवर टू मैन एंड गिव्स हिम अ फ्रेंडली स्लैप ऑन द शोल्डर, उसने ऐसे एक फ्रेंड के ऐसे फ्रेंड स्लैप मारते हल्के से कंधे पे शोल्डर पे ऐसे मारा और वो चलने लगा। चलते चलते उसने मारा ऐसे किसी को मजाक में। विकास यू वर फंटास्टिक, विकास ने बोला कि तुम सब बहुत मज़ेदार हो। सो मैनी चिल्ड्रन हैव ज्वाइन, बहुत सारे बच्चों ने हमें ज्वाइन कर लिया। नाउ नथिंग कैन स्टॉप अस, अब कुछ नहीं रोक सकता। क्वाइट क्वाइट प्लीज लेट डिसाइड व्हाट वी कैन डू टू टर्न दिस प्लेस इनटू द बेस्ट पार्क इन द टाउन हुज गॉट एन आइडिया। सुबह आप चुप हो जाओ, अब हमें डिसाइड करना चाहिए कि हम इस पार्क को सबसे बेस्ट पार्क टाउन का कैसे बनाएं, सबसे अच्छा पार्क कैसे बनाएं। तो किसी के पास कोई आइडिया है? जय, अ पार्क नीड्स अ स्विंग, उसने बोला पार्क में एक झूला चाहिए। नमन, गुड आई कैन ब्रिंग सम टायर्स, मैं कुछ टायर्स लेके आऊँगा। फिर चाइल्ड वन, पहला बच्चा बोल रहा है आई कैन डोनेट अ गार्डन बेंच, मैं गार्डन में बेंच डोनेट करूँगा। गार्डन में बेंच होते हैं ना, तो उसने कहा मैं बेंच लेके आऊँगा। फिर दूसरा बच्चा चाइल्ड टू, आई विल ब्रिंग सम पॉटेड प्लांट्स एंड मोर ट्रीज ज्वाइन इन द कन्वर्सेशन। वी विल प्लांट फ्लावर्स हैव अ डक पॉन्ड विथ फिश एंड फॉक्स वी नीड वाटर, उसने बोला कि मैं कुछ पौधे लेके आऊँगा और पॉन्ड तालाब वगैरह बनाएंगे जिसमें डक वगैरह फिश वगैरह फ्रॉग वगैरह वो सब रहेंगे। विकास रेजिंग हिज हैंड टू गेट एवरीबडीज अटेंशन, होल्ड इट, देर इज वन मोर हर्डल टू क्रॉस, उसने बोला कि रुक जाओ अभी एक और परेशानी है जो हमें क्रॉस करनी है। टू ऑफ अस विल हैव टू मीट मिस्टर नारायण एंड मेक हिम चेंज हिज माइंड, उसने बोला कि हमें से किसी दो लोगों को मिस्टर नारायण से मिलना होगा और उनके माइंड को चेंज करना होगा। एनी वॉलंटियर्स हु विल विलिंग टू कम अलॉन्ग, कोई वॉलंटियर है जो मेरे साथ ऐसे जा सकता है। तो अच्छा, आज हम सीन वन ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में सीन टू पढ़ेंगे। ओके, अभी से उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि जंगल को साफ करके पार्क बनाना है अच्छा सा, और उन सब फ्रेंड्स को अपने इकट्ठा कर लिया क्योंकि एक इंसान उन चारों से वो काम नहीं होता, तो उन्होंने और अपने फ्रेंड्स को बुला लिया है ना। और फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि हमें मिस्टर नारायण से मिलना होगा। तो हम सीन टू नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।